आज मैं आपको दिखाता हूँ कि पहाड़ों की तरफ जहाँ पे गाय वगैरह बांधते हैं, गाय वो एरिया कैसा होता है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गांव से थोड़ा आगे चलने पर यहाँ पे दिखते हैं दो भाई, मेरे दो भाई, एक भाई और एक भतीजा। ये मेरा छोटा भाई रवि, ये पबजी खेल रहे हैं यहाँ बैठ के, और ये मेरा भतीजा। और ये लोग अभी क्या है, दिन में टाइम पास कर रहे हैं। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ और देखते हैं कि लोगों ने कैसे यहाँ पे, अब देखो बहुत से लोगों ने क्या किया है कि क्योंकि ये जो मतलब गौशाला है, यहाँ का जो भी गोबर शोबर जो भी इन्होंने निकाला है, ये बाहर की तरफ यहाँ डिस्पोज कर दिया है। उसके बाद इसी को उठा के खेतों में डाला जाता है। और यहाँ से जो वादियाँ दिखती हैं वो बहुत शानदार वादियाँ दिखती हैं, वो वादियाँ कुछ ऐसी दिखती हैं ये। और इसीलिए सब लोग यहाँ पे बैठ रहते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत प्यारा व्यू नज़र आता है इधर का उत्तराखंड। तरीके से थोड़ा आगे चलते हैं तो हमें दिखती हैं कुछ एक ये गौशाला। और इस गौशाला में जो है यहाँ पे ना बाहर की तरफ ये लकड़ी लगाई जाती है कि भाई जानवर बाहर ना आ जाएं। और ये थोड़ा सा जो भी पहाड़ों में जो गौशाला बनती है वो हमेशा अपने गांव से थोड़ी दूरी पे बनती है, तो हमारा गांव उधर की तरफ है। और गौशाला जो आपको मैंने बताया कि गौशाला हमारी सारी इस तरफ आती हैं ये, और इस कॉन्टिन्यूस इस रो पे सारी गौशालाएँ हैं। और जो हमारी गौशाला है वो ये वाली है, लेकिन इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर आ जाते हैं। हमारी गौशाला जहाँ पे हमारी गाय मतलब जानवर बांधे जाते हैं, गाय बकरियाँ, तो अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई है। और बहुत कम हाइट है, मतलब ये तो मेरे कंधे से भी बहुत नीचे है। लेकिन चलते हैं सर झुका के हल्का सा अंदर की तरफ और देखते हैं अंदर की तरफ क्या है। तो अंदर कुछ नहीं है फिलहाल, और ये हैं कुछ जानवर मतलब गाय, जो कि बगल वाले हमारी जो मतलब ताई हैं उन्होंने उनके जानवर का ये बछड़ा नहीं है जो आप ये छोटा वाला देख रहे हैं, शायद वीडियो में आप वो इमेजिन नहीं कर पाएंगे, लेकिन सामने को हम लोग देख ही रहे हैं और साथ में दो गाय। गौशाला से जब चलते हैं तो यहाँ पे हमें दो रास्ते दिखते हैं, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। और अब चलते हैं ऊपर की तरफ, पहले हम ऊपर की तरफ चलते हैं और एक गौशाला यहाँ पे ये वाली दिखती है सबसे पहले। ये गाय देख रही है कौन अनजान आदमी आया और मुझे गुस्से में डरा रही है और भगाना चाह रही है। हाँ हाँ जा रहा हूँ टेंशन ना लो। और इस पे ऐसे चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं यहाँ पे कौन सी गौशाला है। और दिन का टाइम है, काफ़ी सुनसान है, जानवर तो अभी गाय वगैरह तो दिख रही है, एक ये है और एक गौशाला ये है। तो और नवरात्रों में यहाँ पे बलि प्रथा भी है हमारी तरफ, तो वहाँ बलि वगैरह भी चढ़ती हैं और जिन लोगों ने मन्नतें मांगी होती हैं वो वहाँ बलि वगैरह देते हैं। और नीचे की तरफ की बात करें तो नीचे की तरफ ये दो रो हैं और एक ये पुराना मतलब अब बहुत पुराना किसी का ये होगा गौशाला, तो शायद वो खंडर में परिवर्तित हो गया है क्योंकि शायद उसे उसका यूज़ नहीं किए या बरसात में ढह गया हो गया जिससे। तो अभी जहाँ हम आए उस हम उस कोने से आए, अब मैं आपको इस वाली रो का भी एक दिखाता हूँ। तो हमारी तरफ सिर्फ एक से दो गौशालाएं, जो गौशालाएं यूज़ नहीं होती या जो खंडर हो गए, बाकी मैक्सिमम सारी गौशालाएं में सब जानवर यहाँ रहते हैं। ऐसे करके मैं अगर आता हूँ नीचे की तरफ तो हाय ये मुझे देख रही है, क्यूट सी है एकदम, बहुत प्यारी सी, हेलो। इनके लिए पानी रखा हुआ है वहाँ टंकी से, जो मैंने आपको बताया ना वहाँ टंकी से पानी लाया जाता है और उनको पिलाया जाता है। यहाँ पे एक गाय है, ये तो मुझे लग रहा है कि शायद अभी हाल ही में खरीदी हुई है और इसकी भी हाइट बहुत कम है, 3-3.5 फुट से ऊपर की या इसकी गाय की नहीं है, लेकिन अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। ये जो पट्टियाँ हैं ये नेचुरल स्टोन है और इस ये भी मतलब कहीं पहाड़ों में मतलब दूसरे पहाड़ से हम निकाल के लेके आते थे पट्टियाँ, ये सब नेचुरल स्टोन है जो कि पत्थरों को तोड़ के बनाया जाता था। और चलते हैं इसके ऊपर रखे हैं भ्यूल, हमारी तरफ एक पेड़ है भ्यूल, उसकी डंडियाँ। एक्चुअली होता क्या है कि गर्मियों में जैसे जैसे घास कम हो जाती है इनको, गाय लोगों के लिए घास कम पड़ती है, तो फिर यही घास की गठरियाँ इनको गाय को दी जाती हैं। भी ये मतलब हमारी भाभी हैं, अपने गाय को खाना उन्हें देने आई हुई हैं और ये इनकी दूसरी वाली गाय, ये मुझ पर गुस्सा हो रही है। भाभी हैं उनकी ना 18 बकरियाँ हैं, वो उन्होंने ना उधर की तरफ बांधी हुई है पेड़ की तरफ, तो अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। भाभी बोल रही हैं कि अब गाय को, अब दिन का टाइम आ गया और बहुत गर्मी लग रही है जानवरों को, तो इनको ना गाय को अब हम अंदर की तरफ रख देते हैं गौशाला में, क्योंकि नहीं तो फिर ये धूप से परेशान हो जाती हैं। और ये देखो बहुत गुस्से में गाय ने बहुत गुस्सा सा कर दिया मेरे को एकदम। तो अभी मैं नीचे की तरफ आ गया हूँ और भाभी ने उनको मतलब गाय वगैरह को घास वगैरह डाल दिया
अब मैं थोड़ा, अब भाभी आप जा ही रही हैं, आप देख सकते हो, अब मैं नीचे की तरफ आया हूँ। वो उन्होंने मुझे बताया कि ना उनके जानवर जो है बकरियाँ वगैरह वो नीचे की तरफ बांधी हुई हैं, तो अब उधर की तरफ चलते हैं, उनकी बकरियाँ वगैरह देखते हैं कहाँ पर। दिख रहा है यार, शायद मैं गलत आ गया हूँ, मुझे तो नहीं दिख रही इधर कहीं। ये हमारी मौसी की, और इनकी भी दो गाय हैं और एक छोटा सा बछड़ा है। बड़ा टाइम हो गया है और धूप एकदम तेज हो रही है, तो इनको सबको अंदर रखा जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इसी गांव के हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए और उनको अपने गांव की यादें दिलाइए, शायद इस वीडियो में उनकी भी गौशाला हो। और चलते हैं और मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, टाटा टी।